एक बार फिर से सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। और आज क्लास है नाउन, बिल्कुल बेसिक से। तो पहले नाउन को जानेंगे, नाउन है क्या। कोई वर्ड लिखा हुआ है तो हमें कैसे पता चले कि नाउन है, और इजीली पता चले। तो उससे पहले इस वीडियो को देखो। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई पूछे आपसे विच इज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नाउन, तो आप आराम से बता सकते हो कि ये शब्द नाउन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउन, अब नाउन माने संज्ञा, और ये एक ऐसा टॉपिक है बिल्कुल थर्ड फोर्थ लेवल से, सेकंड लेवल से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कितना जानते हैं, क्या क्या जानते हैं नाउन के बारे में, ये देखने वाली बात होगी आज। पहले वीडियो को देखें, फिर और वीडियो को देखें, देन केम टू डिसीजन। अब नाउन होती है संज्ञा, तो एक बेसिक परिभाषा। अ नाउन इज अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज सच एज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वर्ड, आइडिया, क्वालिटी और स्टेट, इटीसी। मतलब इन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई माने पहचान कराना। तो जो किसको दिखाए, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वर्ड, विचार, क्वालिटी, गुण, स्टेट माने दशा, इन सबको दिखाने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, राम, हॉर्स, कुक्कू माने कोयल, कंट्री, एंगर, एंगर दशा हो गई। ठीक है, और क्वालिटी भी, करेज, लाइफ, चाइल्डहुड, इटीसी। तो दीज वर्ड्स आर नाउन्स। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल परिभाषा जो बिल्कुल प्रेवलेंट है, प्रचलन में है। लेकिन अब थोड़ा कुछ यूनिक। नाउन एक लैटिन वर्ड होता है नोमेन। नाउन एक लैटिन वर्ड किससे बना है, नोमेन से। कोई ना कोई जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या वर्ड क्लास है किसी की सबसे बना है, उससे इसका मीनिंग क्लियर हो जाता है। जैसे नाउन लैटिन वर्ड नोमेन से बना, और जिसका मतलब क्या है, नेम। तो क्लियर हो गया कि नाउन नेम है और नेम ही नाउन है। परिभाषा, नाउन इज अ नेम, एक या अ नेमिंग। नाउन इज अ नेम या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम है या नाउन एक नेमिंग वर्ड है, एक ऐसा शब्द जो नेमिंग वर्ड है। ठीक है, या द वर्ड स्टैंड्स फॉर नेम, मतलब द वर्ड मतलब नाउन स्टैंड्स फॉर नेम। ठीक है, तो नाउन ही नेम है और नेम ही नाउन है, ये ध्यान रखना। अब नेम किसका होगा, ऑब्वियसली वस्तु का ही नाम होगा भाई, कोई ना कोई वस्तु को उसका नाम होगा। ठीक है, अब वस्तु कितने प्रकार की होती है। वस्तु होती है कंक्रीट या विजिबल, या अब्स्ट्रैक्ट या इनविजिबल। मतलब जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उन्हें कंक्रीट या विजिबल कहा जाता है, जो फील होती है उन्हें अब्स्ट्रैक्ट या इनविजिबल कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करें, कंक्रीट एंड विजिबल थिंग्स कौन कौन सी होती है, वी कैन सी एंड टच, जिन्हें हम देख सकें और छू सकें, वो होती है कंक्रीट और विजिबल। कंक्रीट माने बजरी होती है, इसलिए मैंने उसको कंक्रीट नाम दिया है। कंक्रीट में या विजिबल में दो चीजें आती है, लिविंग और नॉन लिविंग। ऐसी थिंग्स जो लिविंग, सजीव और निर्जीव। ठीक है भाई, इनमें क्या क्या आता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वर्ड, इस तरह के वर्ड, क्योंकि इनमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी। बात करें अब्स्ट्रैक्ट या इनविजिबल थिंग्स, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, इसमें आती हैं वी कैन फील, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ स्टेट और नेम ऑफ एक्शन, मतलब गुण का नाम, दशा का नाम और कार्य का नाम, उसे हम किसमें रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट या इनिविजिबल थिंग्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें, ब्यूटी और ट्रूथ ये क्वालिटी हो गई, डेथ एंड लाइफ ये स्टेट हो गई, और वर्क, ड्यूटी, मूवमेंट, आंदोलन ये क्या हो गई, एक्शन हो गई। तो ये वर्ड भी क्या है, नाउन है, लेकिन किस कैटेगरी में आ रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट या इनविजिबल थिंग्स। अब एग्जाम्पल देखिए, एवरी व्हाई डज नॉट हैव एन आंसर, इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मैंने वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो पार्ट वन में ये बताया है कि 10 क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं, और मैंने स्टिक भी किया है वहां पर पेस, ताकि आप पता लगा सकें कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो 10 क्वेश्चन आते हैं कि फलाना वर्ड, जो वर्ड है, फॉलोइंग वर्ड है, वो नाउन है या प्रनाउन है या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ठीक है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो एवरी वाई डज नॉट हैव एन आंसर, अब मैंने पूछा कि वाई इसमें क्या है, तो वाई एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन क्या यहाँ क्या है, एवरी वाई मतलब प्रत्येक वाई, तो वाई एक नाम है। ठीक है, यहाँ एक नाउन की तरह प्रयोग हुआ, इसलिए क्या होगा, ये नाउन होगा। एवरी वाई, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन आता है, तो वाई क्या है यहाँ पर, एक क्वेश्चन वर्ड नहीं है, वाई यहाँ पर एक नेम की तरह प्रयोग हुआ है। प्रत्येक क्यों, प्रत्येक क्यों का कोई आंसर नहीं होता है, तो नेम की तरह यूज हुआ, मतलब नाउन की तरह हुआ, इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। एक और फिलअप, आई डैश द 9th लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, मैंने कहा आई अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर है, तो क्या आएगा, एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, हैव तो आने से रहा, हैव का कोई सेंस नहीं रखने का। अब आई के साथ अमूमन एम आता है, ठीक है, तो क्या करें, फिर एम लगा दें, लेकिन आई यहाँ एज अ प्रनाउन यूज नहीं हुआ है, यहाँ नाउन यूज हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि आई 9वां लेटर है, मतलब आई के बारे में बात हो रही है,
आई मैं होता तो प्रनाउन होता, आई माने मैं है ही नहीं। आई के बारे में कि एक आई लेटर है या एक आई एक वर्ड है, ठीक आई लेटर है लेकिन उसको वर्ड की तरह कार्य करता है। जी मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट वन में बताया है आई के बारे में कि आई एक लेटर है लेकिन फिर भी उसका अर्थ किसमें यूज होता है, वर्ड की तरह। तो आई एक लेटर है, ठीक है, तो उसके आई माने मैं होता तो एम लगा देते, लेकिन आई के बारे में बात हो रही है, आई माने मैं यहाँ पर नहीं है। कि आई जो आई लेटर है, जो वर्ड है, शब्द है, वो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का नौवां अक्षर है, तो आई माने मैं नहीं है, इसलिए आई आई एक नाउन की तरह प्रयोग हुआ, इसलिए क्या आएगा, इज आएगा। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जानने की कोशिश की, एक नाउन की सिंपल परिभाषा लिखी और नाउन की परिभाषा आपको बताई गई कि क्यों कहते हैं नाउन इज अ नेम, क्यों, क्योंकि नाउन एक लैटिन वर्ड नूमेन से बना है और जिसका मतलब होता है नेम, उसी से सारी डेफिनेशन निकल के आई। फिर उसको हमने कैटेगराइज किया कि वस्तु कौन कौन सी होती है उनके बारे में जाना। तो ये बिल्कुल कंप्लीट बेसिक है। थैंक यू वेरी मच। अब और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थ्री इडियट्स डैश अ नॉवल रिटन बाय चेतन भगत, ठीक है। नॉवल एक नोवेल होता है, एन ओ बी एल, वो श्रेष्ठ होता है, ठीक है, होमोफोन से लगभग सेम साउंड मीनिंग अलग, इट्स नॉवल नोवेल, नॉवल माने उपन्यास। थ्री इडियट्स डैश अ नॉवल रिटन बाय चेतन भगत इज आएगा यार। अब आप कह रहे हो अब सर वर्ब पढ़ा रहे हो, मैं वर्ब नहीं पढ़ा रहा, मैं नाउन नहीं पढ़ा रहा। मेरा कहने का तात्पर्य है, आई वांट टू से वेरी क्लियरली थ्री इडियट्स। अब हमें ये देखना पड़ेगा, अगर हम प्राइम ऑफिशियल प्रथम दृष्टि में देखें तो हम आर लगा देंगे, तो थ्री इडियट्स तीन मूर्ख, लेकिन क्या कहा जा रहा सेंटेंस को पढ़िए, अ नॉवल रिटन बाय चेतन भगत, एक है ये वर्ड थ्री इडियट्स, यहाँ तीन मूर्ख नहीं है, ये एक वर्ड की तरह यूज हुआ है, इसलिए क्या आएगा, इस आएगा। थ्री इडियट्स एक उपन्यास है जो चेतन भगत द्वारा लिखा गया है, ठीक है। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स अ फेमस इडियम, अब देखो ये कैट्स एंड डॉग्स कुत्ते बिल्ली नहीं, एक मुहावरा है, वेरी हैवीली रेन, वेरी हैवीली रेन, ठीक है। तो कैट्स एंड डॉग क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये भी शब्द यहाँ पर सिंगुलर की तरह प्रयोग किया गया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो वर्ड है किस तरह यूज हुआ है। आगे द फंक्शन ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, अब हम बात करेंगे वाक्य में नाउन किस तरह से यूज होता है, किन किन पोजिशन पर। तो सबसे पहली पोजिशन सब्जेक्ट, मतलब आपका जो नाउन है वो सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग होगा। हैरी पॉटर इज अ मैजिशियन, मैजिशियन ना मैजिशियन, मैजिशियन मतलब जादूगर। द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जैसे आई लाइक कॉफी, या कॉफी क्या है नाउन है, किसकी जगह पर है, पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या पसंद है, कॉफी, तो क्या किसी लाकर ऑब्जेक्ट आता है, आपको पता है मैंने बताया था वॉइस पार्ट वन में। कॉम्प्लीमेंट पूरा, एक शब्द या एक से अधिक शब्द जो वर्ब के बाद आए, लिंकिंग वर्ब के बाद आए, वर्ब के अर्थ को पूरा करें, उन्हें कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। दिस इज अ टेबल, तो यहाँ टेबल क्या है, एक नाउन है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद, अब इसको प्रेपोजिशन, ये मैं पार्ट वन में बताया प्रेपोजिशन, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, दिस इज अ बुक ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, नाउन है, तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का, प्रेपोजिशन का, तो ऑफ इंग्लिश। कैसे प्रीपोजिशन, जब दो नाउन एक साथ आए और दोनों का मतलब एक ही हो, जब दो नाउन एक साथ आए, एक और बात जो कैसे पोजिशन होता है उसको कोमा में लगा के लिखते हैं, ये सिंथेसिस में 12th क्लास में कॉन्सेप्ट है, सिंथेसिस में सिंपल बनाते समय इसको यूज करते हैं। माय ब्रो हैरी, मतलब मेरा भाई जो हैरी है, माय ब्रदर हु इज हैरी, ठीक है, तो माय ब्रो हैरी इज अ गुड स्टूडेंट, तो हैरी कौन है, माय ब्रो, माय ब्रो कौन है, हैरी, तो कैसे पोजिशन, और एक और कोमा के बाद लगा देंगे, कोमा में लगा, तो माय ब्रो हैरी इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। आगे बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो नाउन के लिए है, कि यदि आपका सब्जेक्ट, यदि आपका सब्जेक्ट है, पागल है क्या, कौन है भाई, क्या रुक जाए, रुक जाए, मैं वीडियो बना रही हूं यार, अच्छा। अब इंपोर्टेंट बात, सब्जेक्ट बराबर नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, इसका क्या मतलब, आपको बता दूं कि यदि आपका सब्जेक्ट नाउन नहीं है या नाउन जैसा नहीं है, तो जो वर्ब होगी वो कभी भी उस सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताऊंगा, पर यहां भी थोड़ा बता दे रहा हूं, तो ये नाउन से रिलेटेड है, मतलब आपका सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होना चाहिए कंप्लीटली, या नाउन इक्विवेलेंट, मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटी उसमें नाउन की होनी चाहिए, जैसे जेरंड है उसे वर्बल नाउन कहते हैं, इन्फिनेटिव है उसे वर्बल नाउन कहते हैं। तो अगर ये हो, मतलब या तो पूरी तरह से नाउन हो या नाउन जैसा हो, अगर ऐसा नहीं होगा, इफ इट इज नॉट,
तो ध्यान रखना वर्ब उसके कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग आएगी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वर्ब के बाद आने वाला शब्द जो वर्ब नहीं होता, ठीक है, जो वर्ब नहीं होता, ना हो सकता है, प्रनाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, तो फिर वर्ब उसके कॉम्प्लीमेंट के अनुसार आती है। आपने देखा होगा देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, तो देयर कोई नाउन नहीं है, नाउन जैसा है, देयर एक एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब हो गया, हमें चाहिए नाउन या नाउन जैसा, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? बात के अकॉर्डिंग, दैट इज वाई देयर वॉज अ किंग, तो वॉज आया, देयर वर मैनी किंग्स, देयर वर मैनी किंग्स, वर क्यों आया? मैनी किंग्स। तो याद रखना कि आप जो सब्जेक्ट है आपका या तो नाउन होना चाहिए, नाउन जैसा होना चाहिए। नाउन फ्रेज बहुत अच्छा रिओर्डरिंग में बहुत काम आता है। नाउन फ्रेज क्या है? डिटरमाइनर या एडजेक्टिव विद नाउन, मतलब नाउन हो उसके बाद डिटरमाइनर हो, डिटरमाइनर एडजेक्टिव ही होते हैं, ठीक है, पर डिटरमाइनर में बहुत सारे वर्ड आते हैं, आर्टिकल ए अंदर वो डिटरमाइनर में आते हैं, एडजेक्टिव ही एक तरह से डिटरमाइनर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो, अ क्लेवर बॉय, सम नॉटी बॉयज, दोज क्लेवर बॉयज, मैनी स्टूडेंट्स, ये सभी क्या है? इट्स नाउन फ्रेज। अब बात करें और तरीका क्या है नाउन को पहचानने का, पहले पार्ट में हमने क्या जाना, ठीक है, उसमें नाउन के बारे में पूरी डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब सम प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस माने उपसर्ग, और सफिक्सेस प्रत्यय, तो कुछ ऐसे क्लू है हमारे पास, जैसे एंटी, बाय, को, डिस, मैल, ठीक है, मोनो, बॉडी, री, शैनी, सुपर, अल्ट्रा, अंडर, वाइस, जैसे एंटीडोट, एंटीडोट एक मेडिसिन होती है जो पॉइजन को रोकती है, उसके कॉन्टेजियस में संक्रमण को रोकती है, बायोट, कट्टर, अंडरपेमेंट, अल्ट्रासाउंड, री एग्जामिनेशन, सेमी सर्कल, को फाउंडर, वाइस वर्षा, वाइस वर्षा एक फॉरेन वर्ड है, इसका मतलब था उल्टा, एडवर्स। अब है सम सफिक्सेस, ER, IST, PIUL, NAS, ENS, ISM, ITY, NT, N, AIDS, SIP, ERY, CY, AAL, ETC, जैसे टीचर, एडमिशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, वेस्टेज, कूड़ा करकट, डिनायल, मना करना, मना मतलब मना करने की स्थिति, तो डिनायल, प्रेफरेंस, ठीक है, ब्रैबरी, रिश्वत, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षवाद, सेकुलरिज्म, ठीक है, फ्रेंडशिप, तो ये सब क्या थे? नाउन थे, या तो प्रीफिक्सेस से पहचान लिया या सफिक्सेस से। तो अब हमने क्या बात है कि हमने नाउन को कम्प्लीटली जान लिया, प्रकार की हमने बात नहीं की, केवल नाउन को जाना, तो ये आपके लिए कोशिश की गई थी आप डीपली नाउन को जाने, और ये सभी के लिए यूजफुल है, अकेडमिक एंड कॉम्पिटेटिव, ठीक है भाई। ओके, और कभी कभी हमें वास्तव में बिल्कुल डीपली सीखना चाहिए, क्योंकि ताकि वही बात आ गई, कभी कभी ऐसा थोड़ी सीखना है कि केवल आंसर दे पाए, जरूर पढ़े, फिर कभी कभी हम पढ़ा भी सके दूसरों को, हो सकता है सिलेक्शन ना हो पाए, फिर क्या करोगे, जो टीचर बन जाओ भाई, पढ़ाओ, अर्निंग सोर्स कहीं से तो आए, पेरेंट्स तो मना कर देंगे भाई, हम नहीं कर सकते, पेरेंट्स भी क्या करें, मजबूरी है, इसलिए डीपली पढ़ाए, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए। थैंक यू वेरी मच।